हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्प प्लम्बर सेंटर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मेहुलाल गवारे। और मैं आज जो यहां पर वीडियो बना रहा था, मैं आपको ये बताता करना चाहता हूं कि यहां पर जो ये प्लॉट है जो 20x40 का है, तो इसके अंदर दो लेटरिंग टैंक है और मैंने यहाँ पर एक लेटरिंग टैंक और एक वाटर टैंक है। और मैंने इसका किस तरह से पाइप जो CPVC लाइन है, UPVC लाइन में किस तरह से डाली, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में दिखाना है। आप देख रहे हैं हेल्प प्लम्बर सेनेटरी यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना चाहता हूँ कि ये जो साइड है यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि टैंक है, तो एक वाटर टैंक है और एक सेफ्टी टैंक है। ये है वाटर टैंक है और वो आगे जो आपको बताना चाहता हूँ तो वो है, ये है सेफ्टी टैंक, वो वाला सेफ्टी टैंक है। तो इसकी हमने जो पाइप लाइन जो निकाली है UPVC लाइन 110 mm, तो क्योंकि हम वहाँ से सीधा नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर टैंक आ रहा है और इस पर वो पाइपलाइन जो टैंक की जो ओवरफ्लो होती है तो वो हम निकाल नहीं सकते। इसलिए हमने इसको किस तरह से निकाला तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से ये रास्ता है जो ये जाने का रास्ता है और ये सेफ्टी टैंक है और यहाँ पर इसकी जो सीढ़ियाँ चढ़ेगी जो मकान के लिए, तो वो यहाँ पर चढ़ाई जाएगी और यहाँ से रास्ता रहेगा। और इसके पीछे जो टैंक है जो वो सेफ्टी टैंक है। तो और ये इधर कमरे हैं और वो भी आगे कमरा है और आगे कमरा है और लास्ट में किचन है। तो ये इस लोकेशन के हिसाब से कि हम इसको लाइन को सीधी नहीं निकाल सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने लाइन किस तरह से निकाली तो आप देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि ये मैंने 110 mm के दो पाइप डाले हैं वैसे, क्योंकि ये पाइप है और फ्लो जो सेफ्टी टैंक का है ये वाला, और ये है पानी का जो यहाँ से किचन का पानी और लेटरिन का और वाश बेसिन का जो पानी वेस्ट पानी आएगा, तो उसके लिए ये मैंने लाइन डाली और इसमें कम से कम 6 इंच मैंने ढलान दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया, तो इसके अंदर किस तरह से सेट करना है। आप टैंक का जो ओवरफ्लो का जो पाइप डालते हो, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से डाल दिया है और ये मैंने लाइन छोड़ दी है। यहाँ से हम आगे कनेक्ट फिर बाद में करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो पट्टियाँ पड़ती है पत्थर की जो, उसके बाद में ऊपर का काम बाद का, ये काम बाद में होगा और ये मैंने कर दिया। तो मैंने यहाँ पर किस तरह से किया था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने बैंड लगा के, ये आप देख सकते हो ये लाइन आ रही है, लाइन आने के बाद में यहाँ पर बैंड लगाकर मैंने यहाँ पर एक बैंड यहाँ लगाया है और एक बैंड यहाँ, और यहाँ पर ये देख सकते हो आपको कम से कम मैंने इसको 1 फीट का टुकड़ा लगाया, जो क्या है कि यहाँ से जब भरा ये टैंक भर जाने के बाद में इसका पानी जो ऊपर उठ के, यहाँ से पानी उठ के इसकी बराबर आएगा, उसके बाद में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने फिटिंग की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है।